ठीक है, इसी जीआरपीओ का हम पहले क्या करते हैं, एपी इनवॉइस बनाते हैं, फिर हम लोग चलेंगे उसके क्रेडिट में, वो फिर डेबिट में, ठीक है। ये सब तो समझ में आ रहा है, ये मैंने जनरल एंट्री करा दिया था आपका, एमआरएन का है, जीआरपीओ का है, जो आपका गुड रिसीट नॉट इन डेबिट हो रहा है, स्टॉक अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है, और जैसा कि हमने परचेज अकाउंट यहाँ पे चला रखा है तो कॉस्ट ऑफ गुड परचेज नॉकऑफ अकाउंट होता है वो क्रेडिट हो रहा है, उतना ही से क्या होता है हमारा परचेज अकाउंट डेबिट हो जाता है, ये चीज़ें हमने करा रखा था। अब यहाँ पे जैसे ही हम आएंगे यहाँ पे चलेंगे और एपी इनवॉइस पे, पहले मैं इसका एपी इनवॉइस बनाता हूँ, ठीक है। ये जो क्वांटिटी है एक एक तीन, ठीक है, अब हम इसकी एपी इनवॉइस बनाते हैं। तो एपी इनवॉइस देखिए, अब यहाँ पे ये 16,500 जा रहा है, कल मैंने बताया था कि ये क्यों जा रहा है, आपको याद होगा हमने क्या किया था, पेमेंट टर्म जो बनाया है वो जा रहा है बियॉन्ड द पोस्टिंग पीरियड, तो हम इसको पेमेंट टर्म को चेंज कर लेंगे, जिसके वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ये मैंने इसको चेंज कर दिया। अब देखिए ये आपका एडिट फॉर्म में आ गया, तो हमने जो इसमें पेमेंट टर्म का जो डेट डाल दिया है ना वो जा रहा है बियॉन्ड द लिमिट, वो कैसे पता चलेगा, तो वो अगर देखना है तो पहले वो भी देख लीजिए, जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा देखिए सॉलिड हो गया। अब ये पूछेगा कि ये तीन इंस्टॉलमेंट है, अब इंस्टॉलमेंट का डेट यहाँ पर दिखाएगा, अब देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है 16/5/24, मैंने लास्ट इंस्टॉलमेंट का डेट ये जा रहा है, इसीलिए ये क्या करेगा, सिस्टम आपको चेंज नहीं करने देगा डेट, अगर आप ये इंस्टॉलमेंट बना रखे हैं तो ये ऑटोमेटिकली ये ड्यू डेट लेके आएगा एज पर द इंस्टॉलमेंट डेट से, इसीलिए ये 16/5 लेके आ रहा है, जो क्या कर रहा है हमारा जो सेशन क्लोज हो रहा है 31 मार्च को उससे बियॉन्ड जा रहा है, तो ये ट्रांजेक्शन करने नहीं देगा, क्योंकि हमने पोस्टिंग पीरियड कहाँ तक बना रखा है 31 मार्च 2024 तक बना रखा है, लेकिन ये ट्रांजेक्शन का ड्यू डेट कहाँ जा रहा है, बियॉन्ड द पोस्टिंग पीरियड, ये ट्रांजेक्शन आपको करने नहीं देगा, तो हमें क्या करना होगा, इसको चेंज करना पड़ेगा, इस पोस्ट जो जो हमारा था इसको मैंने क्लासिक लगा दिया, ठीक है, या फिर हम पेमेंट टर्म ऐसा बनाए जो पार्टिकुलर पोस्टिंग पीरियड के अंदर हो। अब हम इसको करेंगे तो हमारा ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब इसको देखते हैं, जनरल एंट्री मटेरियल है हमारा रॉ मटेरियल, इसकी हम इनवॉइस देख रहे हैं हम, तो देखिए इनवॉइस में क्या हो रहा है, आपका वेंडर जो है वो क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिटर क्रेडिट होता है तो क्रेडिटर क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसीलिए हम लोग वेंडर को क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं, सेंड्री क्रेडिटर, और कस्टमर डेटर बुलाता है, क्यों, क्योंकि वो जो बिल बनता है तो डेबिट होता है। अब आपका टैक्स ये हो गया आपका इनपुट IGST गुड रिसीट नॉट इन्वॉइस, ये अब इसमें बोलेंगे कि दो दो तरह के हैं, इनपुट IGST 5%, ये इनपुट IGST 18%, अब ये क्यों है, तो ये मटेरियल पर आप देखेंगे तो क्लियर पता चलेगा, इसमें एक आइटम 5% का है, 18% का, इसीलिए आ रहा है। अब इसको मैं ऐड कर देता हूँ तो हमारा क्या हो जाएगा, एपी इनवॉइस कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा एपी इनवॉइस बन गया, ठीक है। अब एपी इनवॉइस बन गया मतलब वेंडर की लायबिलिटी हम पे खड़ी होगी, वेंडर को हमें दिस मच अमाउंट, ये जो अमाउंट है ये हमें पे करनी है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमें यहाँ पे इस स्क्रीन पे जैसा कि वेंडर अभी आप जनरल एंट्री में देखें कि क्रेडिट हो रहा है, तो इन द सैप जाएंगे तो यहाँ पे अगर ड्रॉप डाउन में देखेंगे तो क्या बोला है, एपी डेबिट मेमो, वो डेबिट मेमो नहीं है, एक्चुअल में क्या है, क्रेडिट मेमो। हमारे इंडिया में चलता है जब वेंडर क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट मेमो बनेगा, जब वेंडर डेबिट होगा तो डेबिट मेमो। आप सेल्स में भी देखें, जब कस्टमर क्रेडिट हो रहा था तो क्रेडिट मेमो, जब कस्टमर डेबिट हो रहा था तो डेबिट मेमो, लेकिन सैप में जब देखेंगे तो सैप में क्या है, यहाँ पे आप मेनू में जब आएंगे, जो आपको दिखा रहा है यहाँ पे मेनू बार जो यहाँ पे ये है मॉड्यूल में, आप यहाँ पे देखिए जब सेल्स परचेज में आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये आपको क्रेडिट मेमो दिखाता है, ये हमने चेंज कर रखा है नाम, आप लोग को याद होगा डॉक्यूमेंट नंबरिंग सीरीज में जाके मैंने उस दिन नाम चेंज किए थे, कहाँ पे कैसे चेंज किया था, इसमें गए थे डॉक्यूमेंट नंबरिंग में गए थे और यहाँ पे आके हमने चेंज मेमो, एपी डेबिट मेमो मैंने यहाँ पे रख रखा है, लेकिन बेस में क्या है कि एपी क्रेडिट, जबकि हमारे इंडिया में दूसरे कंट्री में चलता होगा राम जाने, मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारे इंडिया में एपी डेबिट मेमो ही होगा, क्योंकि वहाँ पे वेंडर क्या होता है, डेबिट होता है, उसकी जनरल एंट्री में देखेंगे तो। और जो स्क्रीन पे आता है एपी इनवॉइस पे, उसमें वेंडर क्या होता है, हमारा क्रेडिट होता है, ठीक है, तो इसीलिए इसको क्रेडिट में हो, लेकिन यहाँ पे स्क्रीन में क्या दिखाएगा, इसको हम चेंज भी नहीं कर सकते, कोई ऑप्शन नहीं है इसको चेंज करने का, वहाँ पे तो हमने जाके डॉक्यूमेंट नंबरिंग में चेंज कर दिया, इसको नहीं कर सकते क्योंकि ये इंटरनल पार्ट है एपी इनवॉइस का। और ये AR इनवॉइस खुल गया, मैं AP इनवॉइस पे चलता हूँ, ये AP इनवॉइस, ठीक है।
ठीक है। तो ये इनवॉइस नंबर कितना है, 3 नंबर। 3 नंबर के बेस पे हम क्या करेंगे, एपी क्रेडिट मेमो बनाएंगे यहाँ पे एपी इनवॉइस के स्क्रीन पे। तो हम आते हैं एपी इनवॉइस को ओपन करते हैं। जैसा कि पहले भी बताया, इसमें आप कॉपी टू और कॉपी फ्रॉम से नहीं जा पाएंगे क्योंकि सेम स्क्रीन पे आपका क्रेडिट मेमो है। तो इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे और इसमें देखेंगे तो 3 तरह के ऑप्शन आता है, एक बिल ऑफ सप्लाई आता है, एक आता है जीएसटी डेबिट मेमो, और ये आता है आपका टैक्स इनवॉइस। तो टैक्स इनवॉइस हमने बना लिया। बिल ऑफ सप्लाई मैंने पहले ही बताया, जो अनरजिस्टर्ड पार्टी होते हैं जिसका कि जीएसटी नंबर नहीं होता है उसके केस में आपका बिल ऑफ सप्लाई बनता है, ठीक है। और ये जो है आपका जीएसटी डेबिट मेमो जो दिखा रहा है, एक्चुअल में क्या है आपका ये क्रेडिट मेमो। तो इस नाम को हम चेंज नहीं कर सकते क्यों, क्योंकि इसके लिए हमें हमारे पास कोई प्रोविजन नहीं, क्योंकि ड्रॉप डाउन है, ठीक है। आपको डेबिट मेमो ही दिखेगा लेकिन एक्चुअल में क्या है ये क्रेडिट मेमो। बस सिंपली ये ध्यान रखना है कि एपी इनवॉइस पे जो ड्रॉप डाउन में जो आ रहा है वो क्रेडिट मेमो है, और आउटसाइड जो एपी इनवॉइस है जो अलग से ऑप्शन दे रखा है वो हमारा डेबिट मेमो है। क्लियर। अब आते हैं यहाँ से, ये हमारा वेंडर है अग्रवाल इंटरप्राइजेज। तो इस अग्रवाल इंटरप्राइजेज को हम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉपी किया मैंने अग्रवाल इंटरप्राइजेज को। कुछ पूछना है क्या? यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिया 05, ये अग्रवाल इंटरप्राइजेज इसी का बनाना है। वॉइस नंबर एपी वॉइस नंबर क्या है, 3 नंबर। अब यहाँ ये सर्विस का केस आ रहा है, सर्विस में नहीं, हम आइटम के केस में बना रहे हैं। तो ये मैंने आइटम दे दिया। अब क्या करेंगे, जो जितने भी आइटम्स हैं, ठीक है, उस आइटम्स को हमने यहाँ पे आएंगे अपने पास पे, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और कॉपी टेबल कर लीजिए। कॉपी टेबल किया, इससे क्या होगा कि सारा का सारा वहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे तो हमारा उस पर आ जाएगा। यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे आने के बाद ये देखिए, ये जो है इसको आप सेलेक्ट करेंगे जीएसटी क्रेडिट मेमो, एक्चुअल में क्या है ये क्रेडिट मेमो। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। आ गया भाई, देखिए ये कुछ है, मैं कर दूँगा सारे के सारे आइटम, तीनों के तीनों आइटम विद द क्वांटिटी विद द प्राइस एवरीथिंग यहाँ पे पेस्ट हो गया, ठीक है। अब क्या करना है हमें कराना है क्रेडिट मेमो बनाना, ठीक है। तो क्रेडिट मेमो बनाना है किस केस में, जब हमें कस्टमर ने डेबिट मेमो दिया होगा। तो हम कस्टमर को, कस्टमर ने हमें डेबिट किया कि भाई तुम पे हमारी लेबिलिटी बनती है, तो हम क्या करेंगे कस्टमर को क्रेडिट कर देंगे कि भाई तुम्हारी क्रेडिट लिमिट नहीं बन गई। अब सपोज दैट उसने दिया कि प्राइस मैनेज का कुछ दिया है, ठीक है। तो जितने से प्राइस मैनेज होगा उतना पाते हैं। सपोज दैट ये 5 रुपीज़ से बोल रहा है या 2 रुपीज़ से बोल रहा है, ये आपका 3 रुपीज़ से जो अभी राम साहब बोल रहे हैं प्राइस मैनेज का केस में, ज़्यादातर यही चलता है ये। और ये आपका हो गया 4 रुपीज़, ठीक है। प्राइस जितना भी प्राइस का डिफरेंस रहेगा ये प्राइस मैनेज का। अब यहाँ पे हमें इस पर क्या करना है, विदाउट पोस्टिंग क्वांटिटी उठानी है। तो यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे ले लिया मैंने टेबल फॉर्मेट विदाउट पोस्टिंग क्वांटिटी कर दीजिए, विदाउट पोस्टिंग क्वांटिटी, विदाउट क्वांटिटी पोस्टिंग, ये आ गया हमारा, ठीक है। इसको ले लिए एंड एक और ले लीजिए आइटम डिस्क्रिप्शन, इसमें नहीं आ रहा है तो एक आइटम डिस्क्रिप्शन भी फिल उठा लीजिए। ये आ जाएगा आपका आइटम डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आइटम डिस्क्रिप्शन, ठीक है, आइटम डिस्क्रिप्शन भी आ गया। अब हमें क्या करना है, प्राइस को मैनेज करना है दिस मच रुपीज से, तो हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे। इस केस में क्या होगा, इसके स्टॉक पे कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा, ओनली प्राइस मैनेज होगा। अच्छा, रिफरेंस नंबर मांगा, ठीक है। कितना नंबर था, 3 नंबर इनवॉइस था। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, टैक्स में आऊँगा, क्योंकि कोरिलेट ही नहीं कर पाया है किस इनवॉइस की बात हो रही है, इसीलिए हमें इसको देना है। अब 3 नंबर किस डेट में बना हुआ था वो डेट डाल देंगे, वो डेट आई थिंक 2 तारीख का होगा, देख लेते हैं, जो आप लोग का सेशन हुआ था उसी का है। तो यहाँ पे दिखाएगा ये कितने तारीख है, ये 4 तारीख का डेट है, ठीक है, 4 तारीख, दैट मीन्स आज का डेट हो गया। तो हाँ, अभी तो बनाया था हमने, तो ये आज का डेट में इसको डाल देते हैं, ठीक है। अब इसका देखिए जनरल एंट्री, इसका हमें जनरल एंट्री का देखूँगा। अब ये देखिए, इसमें कहीं भी आपका मटेरियल स्टॉक 20 स्टॉक आ रहा है, स्टॉक आने नहीं चाहिए थी। अच्छा, ये जो आपको 3 दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है कि हमने जो पेमेंट टर्म लगा रखे हैं ना, इसके वजह से ये आ रहे हैं 3 पेमेंट टर्म्स। क्वांटिटी हम क्या बना रहे हैं,
हम बना रहे हैं इसको क्रेडिट मेमो बना रहे हैं। क्रेडिट मेमो के केस में स्टॉक पे इफेक्ट पड़ना चाहिए। क्रेडिट मेमो हम वेंडर को क्रेडिट कर रहे हैं, वेंडर को क्रेडिट कर रहे हैं, स्टॉक इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तीन नंबर, तीन नंबर जो है ना हमारे काम का जो ये जो था टैक्स इनवॉइस नंबर चेक किया जा रहा है। इनवॉइस नंबर कितना का है ये? हाँ तीन नंबर ही है ये, तीन नंबर। इसमें स्टॉक इनफेक्ट आना नहीं चाहिए, स्टॉक का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा इसको मैं हटा दूँ तो भी वही आएगा, वही आएगा। कोई डिफरेंस नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड परचेज रॉ मटेरियल ये तो आ गया आपका, उसमें परचेज अकाउंट की वजह से ये जी आर पी ओ का केस चल रहा है, जी आर पी ओ वाला चीज़ें यहाँ पे आ गया। कॉस्ट ऑफ गुड परचेज नहीं, गुड्स रिसीव नॉट इन्वॉइस पे जाता है, यहाँ पर नहीं जरूरत है। रॉ मटेरियल स्टॉक अकाउंट आ रहा है 20 रुपीज़ से। अब एक मिनट थोड़ा सा सोचें तो हम ये को प्राइस मैनेज कर रहे हैं, या एक ही क्रेडिट मेमो की बात कर रहे हैं, हम उसको क्रेडिट दे रहे हैं। हमारा स्टॉक वैल्यू 20 रुपीज़ से जो मटेरियल था उसका ग्रो कर रहा है, होना नहीं चाहिए था यार, स्टॉक पे नहीं जाना चाहिए था। स्टॉक तो चला गया ना, हम तो सिर्फ प्राइस मैनेज कर रहे हैं इसको, स्टॉक को स्टॉक तो रिसीव कर लिया ना। अभी भी आ रहे हमारा सेल्स के केस में सही चल रहा था, परचेज के केस में ये थोड़ी गड़बड़ी है। अच्छा उसमें ये तो चलिए ठीक है, इसमें गड़बड़ आ रहा है। मैं अब उसको जो हमारा एडवाइस है ना इस पे अगर मैं डेबिट मेमो बनाता हूँ तो क्या ये था ना एडवाइस कॉपी टू से कॉपी टू से एपी एक कनेक्शन में क्या है डेबिट मेमो रुपीस। फॉर्म सेटिंग उसमें भी आ रहा है कल भी इसी में आ रहा था ना, एपी में हो रहा था कल भी। नहीं आ रहा था उसमें, सेल्स में नहीं आ रहा था शायद, सेल्स में नहीं आ रहा, सेल्स में हो रहा था। एपी में इंपैक्ट गलत दे रहा है वो। एपी में देखना पड़ेगा कि जनरली सेल्स इनवॉइस में ही वो चलता है क्रेडिट डेबिट। एपी में तो हमें जो देता है कस्टमर बना के हम उसकी एंट्री करते हैं, वो तो अपना इंटरनल होता है एपी वाला। इंटरनल जो आ रहा है ये कैसे जस्टिफाई है ये चीजें, क्योंकि जब विदाउट स्टॉक क्वांटिटी पोस्टिंग कर रहे हैं तो इसमें स्टॉक का इफेक्ट पता नहीं था, ये इफेक्टिव क्यों नहीं है ये देखना पड़ेगा। ये वर्किंग नहीं कर रहा है, विदाउट क्वांटिटी का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। परचेज के केस में नहीं चल रहा है, सेल्स के केस में सही चल रहा है, सेल्स में ओके चल रहा है। आप लोग भी कल अगर टेस्ट डेटाबेस बनाओ तो चेक करके देखें, देखता हूं हां कि ये कर रहा है। मेरे क्या से लगता है कि ये स्टॉक इस पे पड़ रहा है इंपैक्ट जो पड़ना नहीं चाहिए। सेल्स के केस में तो चलो ठीक है, आपने भी यार पड़ना नहीं चाहिए, प्राइस आपने मैच किया था। परचेज के केस में हमें कस्टमर दे रहा है, ये क्या हमारा हो गया डेबिट है, कस्टमर हमें डेबिट कर रहा है, स्टॉक के बेस पे कर रहा है, तो इसको मैं देखूँ।
सर तब तक जैसे आपने एआर इनवॉइस पे में दो तीन एग्जांपल बताए वो मुझे प्रॉपर समझ आ गया भाई किस किस केस में डेबिट होगा किस में क्रेडिट होगा। एक बार एपी के बता दो सर किस किस केस में बनाने हैं वो दोनों के एग्जांपल दे देना सर क्रेडिट के भी और डेबिट के। क्रेडिट और डेबिट की बात कर रहे हैं जैसे आपने एआर इनवॉइस क्रेडिट कब बनता है एआर क्रेडिट नोट कब बनता है डेबिट नोट बता देखो बताया ना आपने एआर पे एपी के केस में जो क्रेडिट मेमो बनेगा ना आपका एपी के केस में क्रेडिट मेमो तभी बनेगा जब आपका आप जो चीज़ से परचेज कर रहे हैं ठीक है आप परचेज कर रहे हैं और मटेरियल आपने मांगा था 10 यहाँ पे पदार्थ क्रेडिट में सपोज दैट यहाँ पे ये गया कहाँ गया ये एपी इनवॉइस इसी में क्रेडिट मेमो बना था हाँ ये आपका क्रेडिट मेमो ये डेबिट मेमो नहीं है एपी इनवॉइस पे जो आता है वो क्रेडिट मेमो और क्रेडिट मेमो कहने का मतलब क्या कि वेंडर क्रेडिट होगा वेंडर जब क्रेडिट होगा तो आप पे लाइबिलिटी फ्री हो जाए मतलब आपको उतना ज़्यादा पेमेंट करना पैसा देना है ठीक है। अब सपोज दैट कि वेंडर ने बोला कि बिल तो बन गई है लेकिन बट मेरे जितने भी आइटम हैं उसके प्राइस किसी के 2 रुपये किसी के 3 रुपये किसी के 4 रुपये इंक्रीज कर दें ठीक है मटेरियल भी आपका मटेरियल जो है वेंडर की तरफ से आ गया ठीक है इन स्टॉक चला गया और स्टॉक जाने के बाद वेंडर क्या कर रहा है आपको बोला कि प्राइस इंक्रीज करा है तो इसलिए वो आपको सप्लीमेंट्री रोटी बनाई कल्पेश जी ये ना रोटी रखो नहीं जा रहा है ये स्टॉक जा रहा है सही जा रहा है इन पे अच्छा देखिए जैसे परचेज के केस में हमें वेंडर ने भेज दिया मटेरियल आ गया भेज दिया जीआरपीओ हो गया ठीक है जीआरपीओ मटेरियल आ गया इन स्टॉक हो गया 100 रुपीज से क्लियर बिल्कुल। अब जब वेंडर उन्हें बोला कि नहीं इसका प्राइस रिवाइज हो गया अब ये प्राइस हो गया 10 रुपीज इंक्रीज कर गया मतलब अब प्राइस हो गया 110 बिल्कुल हमारा स्टॉक में जो आया था वैल्यू वो तो 100 से आया था वो सप्लीमेंट्री इनवॉइस बना के देगा 10 रुपीज का हाँ बराबर बराबर। अब हम जब एंट्री करेंगे तो वो 10 रुपीज हम कहाँ मारेंगे एंट्री किसके बेस पे एंट्री मारेंगे तो ये स्टॉक वैल्यू पे इसी को बढ़ाएगा वो पहले हमने कर लिया था उस केस में स्टॉक वैल्यू क्या हो जाएगा जो पहले 100 का था अब वो 110 का वो बढ़ जाएगा क्योंकि हमने इन हाउस किया इसीलिए यहाँ पे विदाउट पोस्टिंग वाली काम नहीं कर रही है लेकिन सेल्स में काम नहीं, जो कर रही है क्योंकि आप क्या कर रहे हो मटेरियल तो स्टॉक से आपने निकाल दिया उस वैल्यू से मटेरियल क्या से चला गया अब वो बिल्कुल पास नहीं आ रहा लेकिन हमें सिर्फ बैलेंस को मैनेज करना है इसीलिए वहाँ पे विदाउट पोस्टिंग क्वांटिटी चल रहा है यहाँ पे नहीं चल रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे इन हाउस आ रहा है मटेरियल और उसकी वैल्यू जितना वो बढ़ाएगा प्राइस उसी हिसाब से उसकी वैल्यूएशन बढ़ जाएगी। तो रंजीत जी जैसे अपने को 10 रुपए का अपने को सामने वाला वो बना के देगा सप्लीमेंट इनवॉइस तो उसको अपन इसमें कैसे है उसको इंसर्ट करेंगे एसएपी में अपन उसने क्या किया 10 रुपए का सप्लीमेंट्री इनवॉइस बनाया ठीक है तो बिल्कुल। अब क्या हो गया कि वेंडर की जो सप्लीमेंट्री इनवॉइस होगी हम यहाँ पे डालेंगे एपी पे डेबिट ये जो आप क्रेडिट मेमो देख रहे हैं क्रेडिट मेमो पे क्योंकि 10 रुपए से क्या करना होगा वेंडर को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा हाँ अपनी लायबिलिटी खड़ी होगी ना। अब हम उस वेंडर को 10 रुपए से बढ़ाएंगे उसको क्रेडिट देंगे ना 10 रुपए पर आइटम बिल्कुल। तो इसीलिए यहाँ पे जब हम डालेंगे अब तो वेंडर को तो हम क्रेडिट दे रहे हैं लेकिन वो 10 रुपया हम अपने इन हाउस कहाँ मेंटेन करेंगे वो 10 रुपया तो वेंडर को चला गया लेकिन हम किस बेस पे दे रहे हैं उसको वो तो हमारा स्टॉक में जो मटेरियल उसी के बेस पे दिया ना हमने बराबर उसी के बेस पे दिया उसका वैल्यू बढ़ जाएगा 10 रुपए से तो आइटम की वैल्यू 10 रुपए से बढ़ जाएगी फिर वो तो हाँ एग्जैक्टली जो 100 का था वो 110 का हो जाएगा 110 का हो जाएगा बराबर। यहाँ पे विदाउट पोस्टिंग क्वांटिटी सिलेक्ट करने के बावजूद भी नहीं आ रहा इंपैक्ट नहीं कर रहा हाँ बराबर। अब देखिए सिंह जी हाँ दिलदार सिंह जी हाँ जी सर हाँ जी सुनिए अब क्या है हम अभी क्रेडिट में वो बना रहे हैं अब इतना ध्यान रखिएगा क्रेडिट में वो हम तभी बनाते हैं जब वेंडर को हमें कुछ पे करना होता है जब हम पर वेंडर की लायबिलिटी बनेगी
तो किस केस में लायबिलिटी बनेगी कि वेंडर ने बोल दिया कि भाई अब नया प्राइस चेंज हो गया, पहले जो प्राइस था उससे प्राइस बढ़ गया, बिल तो बन गया है लेकिन प्राइस इंक्रीज कर गया 5 रुपए से 2 रुपए से 3 रुपए, जैसे मैंने यहाँ 2, 3, 4 दिखाया है ना, उसने बोला बिल तो बन गया आपका, ठीक है बिल मैं भेज रहा हूँ मटेरियल के साथ, बट प्राइस क्या हो गया, रिवाइज हो गया, इस आइटम का इतना प्राइस बढ़ गया, इस आइटम का इतना बढ़ गया, तो उस केस में वो क्या करेगा, हमें वो अपना सप्लीमेंट्री इनवॉइस बना के देगा। उस सप्लीमेंट्री इनवॉइस की एंट्री हम यहाँ पे करेंगे 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए से, तो अब ये जब करेंगे तो वेंडर हमारा क्या होगा, इस सप्लीमेंट्री इनवॉइस के बेस पे क्रेडिट हो जाएगा, हमारा स्टॉक अकाउंट उतना से डेबिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वो प्राइस बढ़ा के दे रहा है, अगर हम वेंडर को क्रेडिट कर रहे हैं तो उसके बेस पे हमारे यहाँ किस पे इफेक्ट पड़ेगा, जो आइटम हमने मंगाया है उसी पे इफेक्ट पड़ना चाहिए, उसका जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन वैल्यू जो है वो क्या हो जाना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। तो इसीलिए ये जो प्राइस इंक्रीज कर रहा है, जितनी भी क्वांटिटी होंगे उसके इन्वेंट्री वैल्यू को इंक्रीज कर देगा, तो उससे आइटम नहीं बढ़ जाएंगे अगर अपन इस बेस पे बनाएंगे, क्वांटिटी नहीं बढ़ेंगे। आपने ये देखा नहीं, आप देखिए इसमें, इसमें अगर हम लेंगे तो अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे कर लेते हैं तो आप अगर देखेंगे इसको हम अगर जनरल एंट्री मान रहे हैं तो ये हमें इन करा रहा है क्या, देखिए स्टॉक की सिर्फ वैल्यू बढ़ेगी, रॉ मटेरियल इसकी वैल्यू बढ़ेगी, आपकी एंट्री अगर एंट्री बढ़ जाएगी तो दुगना हो जाएगा यहाँ पे जो क्वांटिटी का, हाँ ओनली इसकी वैल्यू बढ़ेगी। अगर आप इसको नहीं रखते हैं तो देखिए हाँ क्या होता है, तो भी वही है, तो बैच पूछेगा, तो भी वही है, बैच कुछ नहीं पूछा, सेम आ रहा है, सेम ही आ रहा है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो ऐसा तो नहीं कि अपनी क्वांटिटी और बढ़ जाएगी, ऐसा करते हैं एक्टी मार के देख लो, हाँ पहले पहले इसका इन्वेंटरी डाटा में देख लीजिए कितना हो रहा है, लास्ट आइटम राइट साइड राइट और 7.5 बिल्कुल वैल्यू बढ़ गई, स्टॉक वैल्यू स्टॉक क्वांटिटी सेम रह गई, सिर्फ ये वैल्यू में माइनर चेंज हुआ है, 99.775 है, पहले कितना था, वही वही था, उतना ही था, नहीं कर पहले सेवन, पहले 7.5 था, 7.5 था ना, मूविंग एवरेज चल रहा है ना, तो उसने 100 के 100 पीपल में लेके आया होगा, हाँ नहीं कोई नहीं, हम ऐसा करते हैं ना इन्वेंटरी ऑडिट रिपोर्ट में चलते हैं, अभी क्लियरली बता देगा कि क्या हुआ है, इसका पहले कितना था अब कितना हो गया, स्टॉक वैल्यू यहाँ पे दिखाता है लेकिन उसका इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, अगर वो पड़ जाएगा तो वो गलत हो जाएगा, वो तो फिर अगर 100 के 100 से उसने डिवाइड करा हो तो बहुत कम वैल्यू में वो इम्पैक्ट आया होगा ना, इसीलिए वो डेसिमल में आया होगा, हाँ मैं एक बार देख लेता हूँ, वो बता देगा यहाँ, इन्वेंटरी पोस्टिंग, अच्छा इन्वेंटरी रिपोर्ट, हाँ अभी जो हमने देखिए 2 रुपए से ये है ना एक आइटम, ये 2 रुपए आज के डेट में यही मारा 2 रुपए से या